गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स. स्टूडेंट्स, आज हम करंट इलेक्ट्रिसिटी के कुछ न्यूमेरिकल को शॉर्ट आउट करेंगे. तो देखिए, हमारे पास ये न्यूमेरिकल है. हमारे पास है कुछ रेजिस्टेंस जो कि आपका सीरीज और पैरेलल में कनेक्टेड है बिटवीन द टू टर्मिनल्स ए और बी. तो हमें फाइंड द रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी का कैलकुलेट करना है. तो देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले देखिए, ये 10 ओम, ये 10 ओम, ये 10 ओम, इन दोनों में से कोई भी दो रेजिस्टेंस है वो सीरीज में, या तो ये वाला है ये इससे सीरीज में कनेक्ट है, या फिर ये रेजिस्टेंस इससे सीरीज में कनेक्ट है, और जो थर्ड रेजिस्टेंस है स्टूडेंट्स वो उसके पैरेलल में कनेक्ट होगा. तो देखिए हम सर्किट को कैसे ब्रेक करते हैं. तो ये देखिए आपका, टेन ओम, टेन ओम, ये आपका टेन ओम, टेन ओम, ये आपका टेन ओम. तो देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास ये टेन और ये टेन टोटल कितना हो गया आपका, 10 + 10 इज इक्वल टू 20 ओम. तो ये आपका सीरीज, अब इसमें टोटल कितना हो गया, ये 20 आपका इसके 10 में क्या आ जाएगा, पैरेलल में कनेक्ट हो जाएगा. तो टोटल क्या आएगा आपका, देखिए सर्किट कुछ इस तरीके से दिखेगा आपका. ये 10, ये 10. तो देखिए आपका क्या हुआ, ये 10. अब आपका ये 20 और ये 10 दोनों आपका किस में कनेक्ट है, ये आपका सीरीज पैरेलल में कनेक्ट है. तो आपका क्या होगा, 1/10 + 1/20. तो एलशियम कितना आ गया, एलशियम आ गया 20. ये 2 + 1 इज इक्वल टू किस में आ गया आपका, ये रेजिस्टेंस इन पैरेलल और ये रेजिस्टेंस इन सीरीज. तो ये आ गया आपका 3/20. तो रेजिस्टेंस इन सीरीज में क्या आएगा आपका, 20/3. तो देखिए स्टूडेंट्स, अब ये सर्किट ब्रेक होके इस तरीके से हो जाएगा. ये आपका 20/3 और ये आपका 10 और ये आपका 10. तो तीनों रेजिस्टेंस आपका किस में है, सीरीज में है. तो क्या होगा स्टूडेंट्स, आपका रेजिस्टेंस इन सीरीज आपका 10 + 20/3 + 10. एलशियम आ गया आपका कितना, 3. तो क्या हो जाएगा, ये आपका 30 + 20 + 30. तो टोटल आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आ गया, 30 + 20 = 50 + 80/3 ओम. ये आपका रेजिस्टेंस आ गया आपका. ओके स्टूडेंट्स, देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास ए और बी दो टर्मिनल्स हैं जिसमें आपका कुछ रेजिस्टेंस कनेक्टेड है. हमें कैलकुलेट करना है, फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस. तो देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास ये इस बी पॉइंट को देखिए, ये बी पॉइंट यहाँ से यहाँ तक आपका कनेक्ट है, लेकिन यहाँ से लेके यहाँ तक के बीच में कोई भी इलेक्ट्रिकल एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है. तो इन दोनों का जो पोटेंशियल होगा सेम होगा, और पोटेंशियल सेम होने के कारण इनका नाम भी आपका सेम होगा. तो हमने इसलिए इसको नाम दे दिया आपका बी पॉइंट. ओके, अच्छा, अब देखिए आपका ये ए पॉइंट है, ए पॉइंट्स और ये इसके बीच में ये एक आपका इलेक्ट्रिकल एलिमेंट प्रेजेंट है. जब आपका इनके बीच में इलेक्ट्रिकल एलिमेंट प्रेजेंट है तो इनका पोटेंशियल डिफरेंस सेम नहीं होगा. अगर सेम नहीं होगा तो स्टूडेंट्स इनका नाम भी आपका अलग होगा. तो इसलिए हमने इसको नाम दे दिया आपका सी. तो देखिए अब हम क्या करते हैं, अब हमने ये पॉइंट्स ले लिया, ये ए पॉइंट्स ले लिया और ये हमने ले लिया आपका बी पॉइंट्स, सॉरी सी पॉइंट्स ले लिया और ये हमने ले लिया पॉइंट आपका बी. तो देखिए ए से सी के बीच में आपका एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है जिसका वैल्यू कितना है आपका, 4 ओम है. ओके,
सी से बी के बीच में, सी से बी के बीच में एक रेजिस्टेंस है जिसका वैल्यू लगा हुआ है आपका कितना, 6 ओम है। और आपका फिर बी से लेके आपका ये अगर सेम है तो ये भी आपका पॉइंट सेम होगा, देखो सेम पोटेंशियल के कारण, और ये आपका डिफरेंट पोटेंशियल के कारण डिफरेंट नेम होगा। तो इसमें आपका क्या है, देखिए सी से बी के बीच का एक इलेक्ट्रिकल एप्लीकेंस लगा हुआ है, रेजिस्टेंस लगा हुआ है, तो ये हो गया आपका 6 ओम। अब बी से सी के बीच में देखिए, बी से सी के बीच में आपका एक और रेजिस्टेंस लगा हुआ है, ये हो जाएगा आपका कितना, 3 ओम, 3 ओम। अब सी से बी के बीच में एक और रेजिस्टेंस लगा हुआ है, देखो ये हो जाएगा आपका 3 ओम। तो देखिए अब आपका क्या है, अब ये तीनों रेजिस्टेंस आपका पैरेलल में कनेक्ट है और ये है आपका सीरीज में। तो पैरेलल में कनेक्ट करने के लिए क्या होगा, रेजिस्टेंस इन पैरेलल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, देखिए 1/3 प्लस 1/6 प्लस 1/3। तो एल्शियम कितना आ गया, एल्शियम आ जाएगा आपका 6, 3 से 2 जा प्लस 1 प्लस आपका 2, तो ये हो जाएगा आपका कितना, 5/6 रेजिस्टेंस इन पैरेलल। नाउ ये 4 ओम रेजिस्टेंस और ये हो जाएगा आपका रेजिस्टेंस पैरेलल में है, तो ये हो जाएगा सीरीज में कितना, 6/5। तो ये हो जाएगा 6/5, तो इसको अगेन रेजिस्टेंस सीरीज में क्या हो जाएगा आपका, 4 + 6/5, तो 5 एल्शियम, 20 + 6, 26/5 ओम आ जाएगा आंसर आपका, 20/5। देखो स्टूडेंट्स, हमने सबसे पहले क्या किया था, ये जो बी पॉइंट था यहां से यहाँ के बीच में आपका कोई भी इलेक्ट्रिकल प्रेजेंट नहीं था, इलेक्ट्रिकल एलिमेंट प्रेजेंट नहीं था, तो इनका पोटेंशियल डिफरेंस सेम हो गया और सेम होने के कारण इसका नाम भी आपका सेम हो गया। लेकिन इस ए पॉइंट से लेके इस पॉइंट के बीच में आपका एक इलेक्ट्रिकल एलिमेंट प्रेजेंट था, तो इलेक्ट्रिकल एलिमेंट प्रेजेंट होने के कारण इनका पोटेंशियल डिफरेंस भी सेम होगा, सॉरी आपका डिफरेंट होगा, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका सी पॉइंट दे दिया। अब ये सी है और ये सी है, इन दोनों के बीच में कोई भी एप्लीकेंट नहीं है, तो इसका भी पोटेंशियल सेम होगा, इसका डिफरेंट, सी से सी का सेम और बी से बी का सेम। ओके, हमने इसको रिजॉल्व कर लिया और रिजॉल्व करने के बाद हमारे पास जो आंसर आया आपका 26/5 आ गया। देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास एक आपका एक सर्किट डायग्राम है जिसमें हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, जैसे कि ये ए हो गया, ये बी हो गया, सी डी ई एफ। तो देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमने सर्किट डायग्राम लिया ये वाला ए बी सी, तो इसमें आपका ये 3 ओम और ये 3 ओम दोनों आपका किस में है, सीरीज में है, तो सीरीज में आपका 3 + 3 कितना हो जाएगा, 6, और जब ये आपका सीरीज टूटेगा तो किसके पैरेलल में आएगा, 6 के पैरेलल में आएगा। तो देखिए क्या होगा आपका, देखिए स्टूडेंट्स सर्किट, देखिए आपका मींस रेजिस्टेंस इन सीरीज 3 + 3 इज इक्वल टू 6, तो आपका कितना होगा, देखिए ये आपका 6 हो गया, ये 6 हो गया, ये 3 हो गया, ये 6, ये 3 और आपका ये 6, ये 3 और ये 3, तो 6 और 6 आपका किस में है आपका स्टूडेंट्स, ये हो जाएगा पैरेलल में, तो रेजिस्टेंस इन पैरेलल किसके बराबर हो गया आपका, देखिए 1/6 + 1/6 आपका कितना, सेल्शियम 6, 1 + 1 इज इक्वल टू 2/6 इज इक्वल टू 1/3, तो ये रेजिस्टेंस पैरेलल में, तो रेजिस्टेंस सीरीज में कितना आ जाएगा आपका, 3 आ जाएगा आपका। देखिए तो देखिए स्टूडेंट्स, अब ये आपका रेजिस्टेंस कितना हो गया, यहाँ पर इन दोनों का जब हमने पैरेलल का
ऐड किया तो यहाँ पर आ गया आपका 3। तो देखिए स्टूडेंट्स अगेन इस सर्किट को कैसे ब्रेक करेंगे। तो ये आ जाएगा आपका कितना 3, ये 3 और ये आपका 6 और ये आपका 6, ये 3, ये 3, ये 3। तो अगेन स्टूडेंट्स ये 3 और ये 3 किस में आ गया आपका सीरीज में आ गया। तो सीरीज में जब आपका आएगा तो ये 6 हो जाएगा और 6 किसके पैरेलल में आ जाएगा, ये 6 पैरेलल में आ जाएगा आपका किसके 6 के पैरेलल में ही आ जाएगा आपका। तो ये हो गया आपका 6, ये हो गया 6, ये हो गया 6 और ये हो गया आपका 3 और ये हो गया आपका 3 और ये हो गया आपका 3। तो देखिए स्टूडेंट्स ये 6 और ये 6 आपका किस में आ गया, अगेन से ये आपका आ गया पैरेलल में। तो 1/6 प्लस 1/6 इज इक्वल टू 6 एलसीएम, 1+1 इज इक्वल टू 2/6 इज इक्वल टू ये कितना आ गया रेजिस्टेंस इन पैरेलल में आ गया 1/3। तो रेजिस्टेंस इन सीरीज में क्या होगा आपका 3। तो स्टूडेंट्स आपका क्या हो गया ये 3 हो गया। तो देखिए आपका कैसे सर्किट और टूटेगा आपका, मींस ये 3, ये 3, ये 3, ये 3 और ये आपका 6। तो देखिए आपका स्टूडेंट्स ये 3 और ये 3 आपका किस में है, ये है आपका सीरीज में। तो क्या हो जाएगा आपका 3+3 इज इक्वल टू 6। तो अगेन जब ये सर्किट टूटेगा तो आपका क्या हो जाएगा, देखिए ये आपका 6 तो ये आपका किस में पैरेलल में आ जाएगा, ये पैरेलल में आ जाएगा आपका 6 6 और ये हो जाएगा आपका 3 और ये हो जाएगा आपका 3। तो अगेन स्टूडेंट्स ये आपका 1/6, 1/6 कितना इसका टोटल आपका रेजिस्टेंस इन सीरीज में आ जाएगा आपका 3। तो आपका क्या हुआ मींस देखिए ये 3, ये 3 और आपका ये 3। अब ये 2 3 आपका किस में हो जाएगा, ये आपका सीरीज में हो जाएगा। तो देखिए क्या हो जाएगा आपका मींस ये 6 और ये 3। तो ये हो गया आपका कितना 3+3 इज इक्वल टू 6। तो स्टूडेंट्स ये हो जाएगा आपका पैरेलल में 1/3 प्लस 1/6 एलसीएम कितना, एलसीएम आ गया आपका 6, 3 2 जा प्लस 1, 3/6 यानी 1/2 रेजिस्टेंस इन पैरेलल। तो सीरीज में क्या आ जाएगा रेजिस्टेंस इन सीरीज में आपका 2 आ जाएगा, दैट इज कॉल्ड 2 आंसर हो जाएगा इसका, टोटल 2 ओम रेजिस्टेंस इसका आंसर हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स इस सर्किट में आपके फॉलोइंग रेजिस्टेंस सीरीज पैरेलल में कनेक्ट हैं। तो देखिए हम इसको कैसे फाइंड आउट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करेंगे। देखिए ये हमारे पास ये आपका सीरीज और ये आपका ये सीरीज, तो तीनों आपका किस में हो जाएंगे सीरीज में, आपका क्या हुआ मींस 2+1 इज इक्वल टू 3 ओम और ये आपका 2+1, 2+1 इज इक्वल टू 3 ओम। तो टोटल स्टूडेंट्स ये हमारे पास किस में आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा आपका पैरेलल में। तो ये आपका कितना हुआ, ये आपका 3, ये आपका 3 और ये आपका 3। तो पैरेलल में क्या आएगा रेजिस्टेंस इन पैरेलल इज इक्वल टू 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3, 3 एलसीएम 1+1+1 इज इक्वल टू 3/3 इज इक्वल टू 1 ओम रेजिस्टेंस आंसर आ जाएगा आपका। ओके स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास 5। देखिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 5th। हमारे पास कुछ रेजिस्टेंस और पैरेलल और सीरीज में कनेक्ट है, तो देखिए इसका फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। तो देखिए स्टूडेंट्स ये रेजिस्टेंस और ये रेजिस्टेंस दोनों किस में है आपका सीरीज में है।
तो सीरीज में है, तो देखिए आपका सबसे पहले हम इसको ब्रेक करते हैं, तो रेजिस्टेंस क्या आएगा आपके पास, देखिए 3 + 3 कितना आ गया आपके पास, 6 आ गया, और ये इस 6 के किस में आ गया, पैरेलल में आ गया, ये 3 और ये 6 और ये आपका 3, इट मींस कितना था, 3 + 3 ये रेजिस्टेंस किस में है, सीरीज में है, तो कितना आ गया 6 ओम। तो अब देखिए रेजिस्टेंस इन पैरेलल में क्या आएगा, रेजिस्टेंस इन पैरेलल में होगा आपका 1/6 / 1/6, 6 एलसीएम, 1 + 1 = 2/6, 1/3, बट रेजिस्टेंस पैरेलल में है तो सीरीज में क्या आएगा, सीरीज में आ जाएगा आपका 3। तो देखिए स्टूडेंट्स ये आपका किस में आ गया, टोटल वंस अगेन सर्किट हम ब्रेक कर दिया, देखिए ये हो गया आपका 3, ये 3, ये 3 और ये आपका 6 और ये आपका 3। अब अगेन ये दोनों आपका किस में आ गए, ये सीरीज में आ गए, तो सीरीज में कितना हुआ, 3 + 3 = 6, फिर ये सीरीज टूट के किस में पैरेलल में आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका इसके पैरेलल में, तो देखिए क्या आता है, मींस ये 6 और ये 6 और ये 3, तो ये कितना हो जाएगा, 1/6 रेजिस्टेंस इन पैरेलल = 1/6/1/6, तो ये आ जाएगा टोटल आपका 1/3 = 3। अब आपका देखिए ये दोनों का जब हमने पैरेलल तोड़ा तो ये किस में आ गया, सीरीज में आ गया, तो ये 3 और आपका ये 3, तो टोटल रेजिस्टेंस कितना आ गया ए और बी के बीच का, 3 + 3 = 6 ओम। देखिए फ्रेंड्स हमारे पास एक्चुअली कुछ रेजिस्टेंस है जो कनेक्टेड हैं आपका एक सर्किट के दौरान, ठीक है, हमें टोटल आपका रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है। तो देखिए इसमें आपका ऊपर की सीरीज में आपका 2 2 2 2 2 2 ओम रेजिस्टेंस है और नीचे की सीरीज में आपका 3 ओम रेजिस्टेंस है, तो इसको हमें कैलकुलेट करना है टोटल रेजिस्टेंस को। तो देखिए हमें इसमें से आपका ये फर्स्ट दे देते हैं, ये सेकेंड, ये थर्ड और ये आपका फोर्थ, तो हमने आपका फर्स्ट सीरीज को ले लिया सबसे पहले, देखिए तो इसमें आपका क्या है, ये 2 ओम है, ये 2 ओम, ये 3 ओम और ये आपका 3 ओम। तो देखिए स्टूडेंट्स इसको जब हमने ब्रेक किया तो ये क्या हो गया, ये ऊपर वाली सीरीज 2 2 ओम की ये सीरीज में हो गई और नीचे वाली भी आपका सीरीज में टूट गया, ये 2, ये 2, ये 3, ये 3, तो ये टोटल हो गई आपके पास 4 और ये हो गई आपका, ये हो गई 4, ये हो गई 6, तो दोनों अब भी पैरेलल में हैं, तो आपका पैरेलल का कॉम्बिनेशन क्या होता है, 1/RP = 1/4 + 1/6। अब हमने इसका निकाला एलसीएम, 12, 3 + 2 = 5/12, देन रेजिस्टेंस इन सीरीज इज इक्वल टू 12/5। तो देखिए स्टूडेंट्स ये हमारे पास एक सिंगल सीरीज का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आया मींस 12/5 आया, तो ऐसे ही आपका टोटल कितना है, 1 2 3 4 है, तो क्या हो जाएगा, देखिए रेजिस्टेंस आपका 1/12 / 5 + 12/5 + 12/5 + 12/5, इट मींस 4 × 12/5, ये आपका 48/5 = 9.6 ओम आंसर आपका आ जाएगा। आपका देखिए क्वेश्चन स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में आपका फॉलोइंग रेजिस्टेंस है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमें कैलकुलेट करना है, तो देखिए हम सबसे पहले एक सर्किट डायग्राम लेते हैं, तो इसका ईच रेजिस्टेंस आपका कितना है, 1 ओम दे रखा है, तो देखिए आपके पास क्या हुआ,
ये हमने एक्स को ही आपका इफेक्टिव रेजिस्टेंस को लेट किया, लेट को ये एक्स आपका क्या है इफेक्टिव रेजिस्टेंस है, ठीक है। ये आर रेजिस्टेंस, ये आर लिया, इसको आर लिया, ठीक है। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा स्टूडेंट्स, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा मींस आपका इसका और इसका, इट मींस ये प्लस में ये, आर प्लस में आर इंटू में दिस। तो क्या होगा देखिए, फर्स्ट हमने ये आर को लिया पहले, आर प्लस फिर इन दोनों को, एक्स आर अपॉन में एक्स प्लस आर और फिर आपका ये वाला आर। तो ये टोटल कितना हो गया आपका, टोटल हो गया स्टूडेंट्स आपका टू आर प्लस एक्स आर अपॉन में एक्स प्लस आर। लेकिन स्टूडेंट्स हमारे पास जो आर था वो टोटल कितना था, वो 1 ओम था आपका। तो देखिए आगे, तो देखिए आपका हमारे पास टोटल रेजिस्टेंस आर कितना दे रखा है, आर दे रखा आपका 1 ओम। तो ये किसके बराबर आ जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका मींस टू प्लस एक्स अपॉन में आपका एक्स प्लस वन इज इक्वल टू किसके बराबर है, एक्स के बराबर है। तो देखिए स्टूडेंट्स अब हम इसका एलशियम ले लेते हैं, एलशियम क्या आ जाएगा आपका टू एक्स प्लस वन प्लस एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वन। तो ये टू एक्स प्लस टू प्लस एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स, तो ये हो गया एक्स स्क्वेयर प्लस आपका एक्स माइनस टू एक्स माइनस टू इज इक्वल टू ज़ीरो। तो देन ये हो जाएगा एक्स स्क्वेयर, ये हो गया आपका देन एक्स 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 प्लस माइनस थ्री एक्स माइनस टू इज इक्वल टू ज़ीरो एक्स स्क्वेयर देन माइनस टू एक्स माइनस टू इज इक्वल टू ज़ीरो। हम इसको सॉल्व कर लेंगे, मींस ए का वैल्यू 1, बी का वैल्यू माइनस टू और सी का वैल्यू माइनस टू। तो ये क्या हो जाएगा आपका मींस एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस अंडर रूट 3 और एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस आपका रूट 3 का वैल्यू होता है 1.732। तो ये हो जाएगा आपका मीन्स एक्स इज इक्वल टू 2.732 आंसर आ जाएगा।